नमस्कार यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों के साथ खास संवाददाता दयाराम चंद्रवंशी की रिपोर्ट। नागदा खासरोध अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण करने के संबंध में पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य शासन विभाग का एक बहुत बड़ा हमला है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत से लेकर संचालनालय से संवर्ग तक लगभग 70,000 कर्मचारी अधिकारी सम्मिलित हैं, जो 52,000 गांव एवं 313 जनपद व जिलों में एवं राज्य संवर्ग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 घटक संगठनों के अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण करने के संबंध में पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। आज खासरोध ब्लॉक के जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और पूर्व विधायक दिलीप शेखावत को उनके निवास स्थल जाकर अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा। अब देखना यह होगा कि कब सरकार इनकी मांगे मानकर हड़ताल खत्म करवाती है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। ये नियमित रूपकरण के लिए या अन्य मांगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और इससे जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं शासन से, क्या क्या मांगे आपकी हैं? शासन से हमारी प्रमुख मांग है कि जो ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत की समय छोटे कड़ी होते हमको ग्राम रोजगार की सहायक के पद पर नियमित किया जाए। तो हमने 3/9/2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम किया था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन किया था बिगड़ दलील कि आपको किसी को भी बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा हमको सिर्फ दोहरा बनाया गया और इसको अमल नहीं किया गया। इसलिए शासन को हम वापस आज को भी सरकार भी वही है बीजेपी का हमारे मामा जी ने हमको बोला था कि आप लोगों को हम मामा को सबकी चिंता है, आपको हम ग्राम रोजगार सहायक के पद परमानेंट करके आपको एक जो है निश्चित वेतनमान माननीय योजना देकर निश्चित वेतनमान देंगे। आज ना तो कोई वेतनमान पड़ा है और ना ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियम किया गया है, इसलिए आज हमको ये धरना प्रदर्शन वापस करना पड़ रहा है। सही मोर्चे द्वारा जो 22 तारीख से जो लगातार हड़ताल की जा रही है, उसका तथा हमारी कांग्रेस पार्टी उसका पूरा समर्थन करती है। निश्चित रूप से इनकी बहुत सारी जायज़ मांगे हैं, जिसको और ऐसे बहुत सी मांगे हैं जिसमें सरकार का कोई खर्च नहीं लागू होगा, उन पर भार नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है और 22 तारीख से लगातार ये हड़ताल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पंचायत के जितने भी कर्मचारी है, शासन की सभी योजना का क्रियान्वयन का भार उन्हीं के ऊपर होता है और उनकी जो जो जायज़ मांग है उसके लिए हम तत्काल उनका हल होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं और अभी 9 अगस्त से विधानसभा प्रारंभ हो रही है, उनकी मांगों को हम विधानसभा को उठाकर शासन का ध्यान आकर्षित।